ठंड में गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों का बोरा स्वेटर। माँ उठो ना, माँ उठो ना। आवाज सुनकर सरिता उठकर देखती है कि चिंकी ठंड से बुरी तरह कांप रही है। माँ बहुत जोरों की ठंड लग रही है, उड़ने को तुझ दो ना। तभी सरिता मैली फटी चादर में सो रही अपनी चारों बेटियों के ऊपर से थोड़ी सी चादर खींचकर उड़ाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी भी ठंड से ठिठुर रही है, इसकी सर्दी तो जा ही नहीं रही। सरिता चिंकी को अपनी साड़ी का फटा आंचल उड़ाती है और खुद रात भर ठंड में ठिठुरती हुई किस्मत का लिखा काटती है। अगली सुबह, हे भगवान, आज तो मुझे कस्टमर को ये ब्लाउज सी के देना है, अभी घर का काम भी बाकी है। अपनी गरीब दर्जी माँ को परेशान देखकर 11 साल की गौरी बोली, माँ घर का सारा काम आपकी 5 बेटियाँ मिलजुल कर लेंगी, आप कपड़े सिलो। सरिता नम आंखों से गौरी के सर पर हाथ फेरती है। मेरी गौरी अब समझदार हो गई है, माँ की कितनी मदद करने लगी है। फिर वह गरीब दर्जी माँ हाथ सिलाई मशीन पर जल्दी जल्दी कपड़े सीने लगती है। तभी गोपी कहता है, सरिता मैं काम पर जा रहा हूँ। सुनो जी, आपको तो पैसे मिलने वाले थे, क्या हुआ? सर्दी भी बढ़ रही है और हमारी बेटियों के पास एक भी स्वेटर नहीं है पहनने को। अभी मजदूरी के पैसे नहीं मिले हैं सरिता, आज बात करके देखता हूँ। हर माँ की तरह सरिता भी अपनी 5 बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, मगर एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही रोज की आफत होती है, और पढ़े लिखे दौर में एक अनपढ़ गरीब को काम देता कौन है। जैसे तैसे सरिता ही हाथों के हुनर से दर्जी का काम करके गरीबी में अपनी 5 बेटियों का पेट भर रही है। इतने में अपर्णा आती है। सरिता कैसी हो? जी अच्छी हूँ अपर्णा जी। अरे ये क्या तुम्हारी आंखों से पानी आ रहा है? अभी कहा था ना कि एक बार अपनी आंखें डॉक्टर से दिखा लो, वरना कहीं खराब ना हो जाएं। अपर्णा जी, जिस गरीब के पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे ना हो, वो क्या ही करेगा। पहले मुझे अपनी 5 बेटियों की भूख देखनी है, और फिर मैं गरीब दर्जी माँ डॉक्टर की महंगी फीस कहाँ से भरूंगी। आप बताइए क्या सिलवाना है? बस मुझे ये शरारा सूट सिलवाना है, तुम ये बता दो इसकी कितनी सिलाई देनी पड़ेगी। अपर्णा जी आप मेरी पहचान वाली हैं, बहुत वक्त से मैं आपके कपड़े सी रही हूँ, इसलिए आप इस शरारा सूट के सिर्फ 700 रुपए दे देना। ये सुनकर अपर्णा चौंकने का नाटक लगाकर कहती है, 700 रुपए? क्या बात करती हो, मैं तो ये सोच कर आई थी कि तुम जैसी गरीब दर्जी का भला हो जाएगा, तुम 2 पैसे कमा लोगी। इस झोपड़ पट्टी में सूट की सिलाई 700? अरे जब मैं 700 रुपए तुम्हें दूंगी तो इससे बढ़िया मैं किसी अच्छे टेलर से अपना सूट ना सिलवा लूं। अपर्णा वहां से जाने लगती है। तभी अपनी 5 बेटियों का मुंह देखकर वह गरीब दर्जी माँ मन में कहती है, कितनी ठंड पड़ गई है, थोड़े दिनों में पूस का जाड़ा भी पड़ने वाला है। अगर मुझे अपनी 5 बेटियों के लिए स्वेटर खरीदना है तो मुझे कम पैसों में भी कपड़े सीने ही पड़ेंगे। ये मेरी लाचारी है, वरना मेरी बच्चियों को इस बार भी इस पतले फटे कपड़े में ठंड बितानी पड़ेगी। सरिता थोड़े से ही पैसे में अपर्णा का सूट सी देती है। हर दिन के साथ ठंड बेतहाशा बढ़ती जाती है। तभी एक शाम जब गौरी खाना बना रही होती है, तभी पूरे घर में चूल्हे का धुआं भर जाता है और आशा कहती है, गौरी दीदी आज इतना धुआं क्यों हो रहा है? आशा ये तेरी ही गलती का नतीजा है, मैंने तुझे कहा था ना कि आज की लकड़ी आंगन में मत रख कर छोड़ना, सारी लकड़ी सर्दी के ओस से भीग कर गीली हो गई है। चिंकी पिंकी आशा नीतू तुम चारों थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठ जाओ। चारों बहनें बाहर आती हैं, तभी उनकी पड़ोस के अमीर घर में रहने वाली छोटी बच्ची परी आकर उन्हें अपना स्वेटर दिखाती है। अरे वाह पली, तुम्हारा छितर तो बहुत सुंदर है, ये स्वेटर मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया है, ये बहुत गर्म है और मुलायम भी, तुम्हें पता है इसे पहनकर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। परी क्या एक बार मैं भी तुम्हारा स्वेटर छूकर देख लूं? पिंकी जैसे ही परी के पास आती है वह ये कहते हुए उसे धक्का देती है। नहीं तुम मेरा स्वेटर मत छूना,
तुम गरीब हो, तुम्हारी चुनी से मेरा महंगा स्वेटर गंदा हो जाएगा। माँ, रो मत पिंकी चिंकी, अंदर चलो। पिंकी, तू रो क्यों रही है बेटी? तभी आशा गुस्से में बोलती है, माँ आखिर तुम अपनी पांचों बेटियों को स्वेटर कब दिलाओगी? जब ठंड बीत जाएगी तब, या फिर जब हम सभी ठंड से मर जाएंगे तब? अपनी बेटी के कोसने पर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। इतने में गोपी बोरा लिए घर आता है। अजी आज तो आपको पैसे मिलने वाले थे, क्या हुआ इतना सारा बोरा क्यों लाए हैं? सरिता, मालिक महीने भर की खातिर विदेश गए हैं। समाचार में आया है आज से एक हफ्ते तक बर्फ गिरने वाली है, इसलिए यह बोरा आग तापने को ले आया। गोपी के कहे अनुसार रात में बर्फ पड़ने लगती है। वह सर्दी शरीर का खून जमा देने वाली थी। माँ बहुत ठंड लग रही है। माँ मुझे भी ठंड लग रही है। दिन रात कपड़े सी कर भी मैं गरीब दर्जी अपनी बेटियों को एक स्वेटर दिलाने के पैसे तक नहीं जोड़ पाई। मुझे कुछ करना होगा वरना ये ठंड मेरी बच्चियों को निगल जाएगी। तभी सरिता वह बोरा देखती है। मैं इस बोरे से अपनी बेटियों के लिए स्वेटर बना सकती हूँ। हाँ मैं एक दर्जी हूँ। सरिता सिलाई मशीन उठाती है और बोरा काट कर उसे अपनी पांचों बच्चियों के नाप का बोरा स्वेटर सी कर उन्हें पहना देती है। चिंकी पिंकी आशा नीतू गौरी बेटी, जल्दी से ये बोरा स्वेटर पहन लो। पांचों अपनी गरीब दर्जी माँ का बनाया बोरा स्वेटर पहन लेती हैं और चिंकी मुस्कुरा कर नन्ही जुबान से कहती है, अरे वाह माँ, ये बोरा स्वेटर परी के मम्मी के स्वेटर से भी अच्छा है। हाँ माँ, इस बोरा स्वेटर में जरा भी ठंड नहीं लग रही, ये बहुत गर्म कर रहा है। पांचों गर्माहट से बोरा स्वेटर पहने सुकून से सो जाती हैं। कुछ घंटों में सुबह ढल जाती है, मगर जैसे ये ठंड उस गरीब दर्जी माँ की जिंदगी में एक कठिनाई लेकर खड़ी हो जाती है। अब उससे कोई कपड़े नहीं सिलवाता। कितने दिन हो गए मुझ गरीब दर्जी से लोग कपड़े सिलवाने भी नहीं आ रहे। कपड़े सीकर जो ही थोड़ी बहुत पैसे मैं कमाती थी उसी से तो घर का खर्चा चलता था। माँ मैंने बाजार में देखा था लोग बाग सर्दी में रेडीमेड स्वेटर खरीद कर पहन रहे, शायद इसीलिए कोई भी आपसे कपड़े सिलवाने नहीं आ रहा। माँ गौरी दीदी आप दोनों परेशान मत हो, माँ जैसा बड़ा स्वेटर आपने हम पांचों के लिए बनाया है आप यही बोरा स्वेटर बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? देखना फिर आपके बनाए सारे बोरा स्वेटर बिक जाएंगे। पिंकी का सुझाव गरीब दर्जी सरिता को एक नया रास्ता दिखाती है। और फिर ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? सुनो जी, आपके अनाज गोदाम में जितनी भी कटी फटी बोरियां हैं आप उसे ला सकते हैं। हाँ सरिता, ला दूंगा, मगर फटा कटा बोरा से तुम क्या करोगी? आप लेकर आइए फिर बताती हूँ। सरिता एक नए सिरे से अपने दर्जी होने का हुनर आजमाती है और बोरे से अलग अलग डिजाइन के स्वेटर बनाती है। माँ ये फटे हुए बोरे तो बच गए, इसका क्या होगा? गौरी बेटी, इस बोरे के धागे को उधेड़ कर गोला बनाओ, मैं इससे स्वेटर बुनूंगी और फिर मैं तेरे बापू और तुम सब इसे चलकर बाजार में बेचेंगे। बोरा स्वेटर बनाने में पांचों भी अपनी गरीब दर्जी माँ की मदद करती हैं, जिसके बाद सरिता दिन भर छड़ कांटों पर बोरा स्वेटर बहुत सारे बुनती है, जिसे लेकर वह बाजार में बेचने आती है। गौरी और नीतू आवाज लगाती हैं, सिर्फ 200 200 200, लो जी भैया दीदी काका चाचा चाची सारे सुनो सुनो सुनो, बाजार में आ गया है एकदम सस्ता टिकाऊ बोरा स्वेटर, जिसे पहनकर मिलेगा गर्माहट, न दाम की झिकझिक न ठंड की चिंता। गौरी की लुभावनी बातें सुनकर बहुत से लोग आकर्षित होते हैं और बोरा स्वेटर खरीदने आते हैं। अरे बहन जी, मुझे ये चारों बोरा स्वेटर चाहिए, अपने लिए और अपनी बीवी बच्चों के लिए। वाओ इट्स अमेजिंग, ये बोरा स्वेटर कितना फैशनेबल है, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। दीदी हो सके तो इस बोरा स्वेटर के बारे में अपनी सहेली को भी बताना, ताकि हमारा सारा बोरा स्वेटर बिक जाए। हमारी गरीब दर्जी माँ ने बहुत मेहनत लगाकर ये स्वेटर बनाया है। ओके बेटा, मैं ये बोरा स्वेटर पहनकर अपना ब्लॉग बनाऊंगी ताकि तुम्हारी मदद करूं। हरदिन के साथ सरिता के बोरा स्वेटर की खूब मांग बढ़ती है और अब तो उसे घर बैठे हजारों में स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिलते हैं और देखते ही देखते सरिता का बोरा स्वेटर खुद में ब्रांड बन जाता है। आज सरिता का अपनी पांचों बेटियों को अच्छी जिंदगी देने का देखा सपना भी पूरा हो चुका है। उसके पास रहने को अच्छा घर है, उसकी पांचों बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ लिख रही हैं। कोई नहीं जानता आपका हुनर
कब आपका भाग्य बदल दिखाए। अरे शांति, आज तो तेरे मन में बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। आखिर तेरे बेटे का घर जो बस गया और तू तो सास जो बन गई। हाँ कमला, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भी घर आंगन में बहू आ गई। सर्व मंगल मंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। शादी संपन्न हुई। ये सुनकर फुलवा शादी के मंडप से अपने पति का गठबंधन खींचती हुई आशीर्वाद लेने अपनी सास के पास चली आती है। अरे ओ गेंदा चमेली फूलमती, क्या नाम है इसका? फुलवा रुक जाओ। अरे सजनवा, रुक जाएंगे तो अम्मा जी का आशीर्वाद कैसे लेंगे? पता नहीं माँ ने किस गवार के पल्ले बांध दिया। प्रणाम करे थे अम्मा जी। फुलवा अपनी सास के पैरों को जोर से पकड़ लेती है और उसकी गवार पंती देख कर बारात में आए लोग मुंह दबा कर हंसते हैं। अरे जीती रहे बहू। अरे अम्मा जी, हमारा नाम फुलवा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको फूल की तरह माने। अरे अच्छे से पीठ ठोक दे, आशीर्वाद दीजिए। फिर फुलवा बड़ा सा स्टील का बक्सा लिए अपनी ससुराल आ जाती है और शादी के पहले दिन सुबह सुबह सितारों भरी भारी सी चूड़ी, पैरों में गाढ़ा आलता, मांग में पीला सिंदूर लगाती हुई रिबन से लंबी सी चोटी हिलाते हुए सास के पास आती है। अम्मा जी, हम ही पूछ रहे थे खाने में दाल भात चोखा बनाए कि लिट्टी चोखा। हे राम, अरे बहू ये कैसा अतरंगी हुलिया बना रखा है तूने। लग रहे हैं ना हम एकदम टिप टाप। ये बताइए हमारी चोटी का फुलेना कैसा लग रहा है? एकदम भूरी भैंस की पूंछ की तरह है। हे राम, किस गवार को ब्याह कर ले आई? मैंने तो सोचा था कि गांव की लड़की से बेटे की शादी कर रही हूँ तो संस्कारी बहू आएगी, मगर ये तो एकदम बौड़म निकल गई। अब मैं अपने बाकी के तीन बेटों की शादी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से करूंगी, वरना अगर चारों गवार आ गई तो मेरा दिमाग चाट जाएंगी। समय गुजरता है। शांति और सागर को हर दिन फुलवा की नई नई गवारपंती देखने को मिलती है। इस तरह से फुलवा की शादी को एक साल हो जाता है। शांति अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ता देखने लगती है। इसी बीच वो तीनों स्वाति, अनन्या और दिव्या नाम की तीन मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियों से लव मैरिज करके घर आते हैं और घर की बेल बजती है। ससुरा ई बेलवा को भी चैन नहीं, जब देखो बजता है। दरवाजा खोलते ही वो अपनी मॉडर्न देवरानियों को शॉर्ट्स में देख कर कहती है, आई हो दादा, कपड़ा बा आधा। What you mean? आदित्य, ये जाहिल गवार कौन है? ससुरी गवार कहती है, तुम्हारी अम्मा की चाचा की काकी की किवाड़ खोलू, गवार बोलती है। अरे किससे भड़ गई बहू, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। आदित्य, पवन, रोहित। प्रणाम माँ। माँ ये तीनों आपकी बहुएं हैं, हमने लव मैरिज की है। माने कि भाग के बिया? हाय हाय। चुप कर फुलवा बहू, कम से कम ये तीनों तेरी तरह गवार तो नहीं, पढ़ी लिखी तो है। जा जाकर आरती की थाली लेकर आ। गवार कहे जाने का ताना फुलवा के दिल पर लग जाता है। वहीं शांति तीनों का स्वागत करती है। अगले दिन, देख शिल्पा, आज हम तुमको एकदम हरा ताजा चारा खिलाए हैं, आज हमको बाल्टी भर के दूध देगी ना? इसकी भैंस की आंख, ये सुबह सुबह किसकी मटरों की बिजली चिल्ला रही है, ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो गाइस। जैसे ही तीनों आंगन में आती हैं तो फुलवा को गाय के थन से दूध पीता देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती हैं। यक, ये होती है गवारपंथी। हमें तो लगा था कि तुम बस शक्ल सूरत से देखने में ही गवार हो, बट सीरियसली यू आर सच अ बॉडम। फिर अंग्रेजी झड़ने लगी। एक बात बताओ, हमारी मॉडर्न देवरानियों का खा गा घा पड़ी हो कि नहीं बे? और यू जस्ट शट अप, जाहिल गवार कहीं की। उनकी बातों की परवाह न करते हुए फुलवा अपने आप में गुनगुनाती हुई गाय के गोबर को हाथों से उठाकर उपले बनाने लगती है। जब लगावे लुतू लिपस्टिक, ही लेला आरा डिस्ट्रिक, जिला टाप लागेलू कमरिया, कमरिया ओहो कमरिया, करेला पालप लाली पाप लागेलो। इसी तरह से चारों देवरानी जेठानी के बीच मॉडर्न और गवारपंती को लेकर हर दिन नोकझोंक होती रहती। फिर एक दिन जब हाई हील्स की सैंडल पहनकर आंगन में डांस वो कर रही होती है, तभी उसकी सैंडल टूट जाती है और वो गिर जाती है, जिसके कारण उसका हाथ सूज जाता है।
आउच, अनन्या, दिव्या मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ए देवरानी जी, ये हल्दी चूना है, देसी इलाज, इसे लगा के कल भोर तक तुम्हारा हाथ एकदम टनाटन हो जाएगा। पिसा हुआ हल्दी चूना फुलवा स्वाति के हाथ पर लगा देती है। अगली सुबह स्वाति ठीक हो जाती है। अनन्या, दिव्या, भले हमारी जिठानी जी थोड़ी गवार हैं, मगर दिल की बुरी नहीं, शी इज नाइस पर्सन। तुम ठीक कह रही हो स्वाति। अब वो तीनों अपनी गवार जिठानी की तरह मिलजुल कर रहने लगती हैं। फिर एक दिन, अनन्या, स्वाति, तुम दोनों को नहीं लगता कि हमें जिठानी जी का लुक चेंज करना चाहिए? दिव्या, मैं भी यही सोच रही थी। जिठानी जी वैसे तो परफेक्ट बहू हैं, मगर उनका रूप बदलने के बाद वो मॉडर्न और सुंदर हो जाएंगी। फिर तीनों मॉडर्न देवरानियों से कहती हैं, जिठानी जी, सोचिए अगर हम तीनों मिलकर आपका रूप बदल दें। का मतलब? मतलब ये कि अगर हम आपको हम तीनों की तरह ही मॉडर्न बना दें तो? अरे नहीं, हम ठीक हैं। अच्छा, सागर जी आ गए, हम उनको खाना लगाने जा रहे हैं। तभी फुलवा खाना लगाती है। ये लीजिए खाना। सुनिए, परसों आपकी छुट्टी है ना, कहीं घूमने चले? मैंने अपनी शक्ल देखी है, एकदम बॉर्डम लगती हो, इसलिए मुझे तुम जैसी जाहिल गवार के साथ बाहर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ये गवार रूप लेके अपना दफा हो जाओ यहाँ से। अपने पति के हाथों इस तरह से गवार कहकर ठुकराए जाने के चलते बेचारी फुलवा अपनी आंखों में आंसू भरे आंगन में आकर अकेले में फूट फूट कर रोती है। उसकी तीनों देवरानियां उसे देखकर कहती हैं, जिठानी जी के लिए दिल से बुरा लग रहा है। अगर हम तीनों देवरानियों को इनकी जिंदगी में खुशियां लानी है तो हमें अपनी जिठानी का रूप बदलना ही होगा। हाँ, मगर हमें अपनी जिठानी का रूप धीरे धीरे बदलना होगा। अगली सुबह फुलवा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी दिव्या उसकी साड़ी जो पहनने वाली होती है उसे भिगा देती है। हे भगवान, हमारी साड़ी कैसे भीग गई, अब का पहने? क्या हुआ जिठानी जी, सब ठीक है? नहीं, हमारी साड़ी एकदम गीली है। कोई बात नहीं जिठानी जी, आज के लिए आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। ये बोलकर दिव्या एक हल्की बॉर्डर की सुंदर सी साड़ी अपनी गवार जिठानी को देती है, जिसे पहनकर फुलवा शीशे के आगे आती है और जैसे ही कुमकुम की बड़ी सी बिंदी लगाने लगती है तभी दिव्या बोलती है, जिठानी जी, ये बिंदी लगाइए ना, एकदम इस साड़ी के साथ एकदम मैचिंग हो रही है। अपनी मॉडर्न देवरानी के कहने पर फुलवा बड़ी सी बिंदी छोड़कर वो छोटी सी खूबसूरत बिंदी लगाती है। हल्के बॉर्डर की साड़ी और छोटी सी बिंदी में उसे देखकर सागर पहली बार उससे प्यार से बात करता है। फुलवा जी, क्या हुआ, आपको कछु चाहिए का? नहीं, मैं वो कह रहा था, आज तुम अच्छी लग रही हो। पहली बार अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फुलवा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फुलवा देवरानी से उसके हल्के बॉर्डर की साड़ी मांगती है। इस पर दिव्या कहती है, देखा जेठानी जी, आपने जरा सा रूप बदला तो जेठ जी आपके साथ घुलने लगे। बस एक बार अपने तीनों मॉडर्न देवरानियों पर भरोसा कीजिए और हमें आपके रूप को बदलने दीजिए, फिर देखना आपकी जिंदगी में खुशियां होंगी और जेठ जी आप पर ध्यान देंगे। ये सुनकर फुलवा अपने रूप को बदलने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी तीनों मॉडर्न देवरानियां उसे सजाती हैं, जहां दिव्या उसे बहुत ही सुंदर बॉर्डर की साड़ी मॉडर्न तरीके से पहनाती है, वहीं अनन्या उसके बाल बनाती है। जिठानी जी, इतने सुंदर बालों को आपने चोटी में छुपा रखा था, अब देखिए आपकी देवरानी आपका वो रूप सजाएंगी कि जेठ जी देखते ही रह जाएंगे। ये बोलकर अनन्या अपनी गवार जिठानी के बाल बनाती है तो वहीं स्वाति उसका सुंदर सा मेकअप करती है और उसकी चमकीली पीली चूड़ियां उतार कर मैट की फैशनेबल चूड़ी पहनाती है, जिसके बाद देखते ही देखते फुलवा एकदम मॉडर्न दिखने लगती है। जिठानी जी, एक बार अपना बदला हुआ रूप आईने में तो देख लीजिए। अपना बदला रूप देखकर फुलवा बहुत खुश होती है। ये मैं हूँ क्या, मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ देवरानी जी? हाँ जिठानी जी, क्योंकि आपको सुंदर दिखने का हक है। जिठानी जी, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं, इसे जी भर कर जी लीजिए। शुक्रिया देवरानी जी, तुम तीनों ने सिर्फ आज अपने इस जाहिल गवार जिठानी को मॉडर्न नहीं बनाया, बल्कि ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे मेरी नजरों से अलग देखने का नजरिया भी दिया है। फुलवा का बदला रूप देखकर सागर के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे अपने हिस्से का वो प्यार मिलता है जिसके लिए हर बार वो तरसती थी, और ये सब किया तो उसकी मॉडर्न देवरानियों ने।